उत्तराखंड में बीजेपी के दो विधायकों के बीच चल रहे विवाद में शुक्रवार को खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को संगठन की जांच समिति के सामने 11 बजे पेश होना था, लेकिन वो आज भी लगातार तीसरी बार जांच समिति के सामने पेश नहीं हुए। इस सब के बावजूद जांच समिति का कहना है कि चैंपियन के द्वारा दो पत्र संगठन महामंत्री नरेश बंसल को दिए गए, उन्हीं को चैंपियन का पक्ष मानते हुए समिति अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देगी। ये तीसरा मौका था जब विवादों में घिरे बीजेपी विधायक को प्रदेश नेतृत्व के द्वारा गठित की गई जांच कमेटी के सामने पेश होना था, लेकिन बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने चयन समिति को ठेंगा दिखाते हुए समिति के द्वारा दिए गए समय 11 बजे तक भी नहीं पहुंचे। समिति के संयोजक खजान दास और अन्य सदस्यों के द्वारा कई घंटों तक इंतजार किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी चैंपियन नहीं पहुंचे। हालांकि हरिद्वार जिले के अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष समिति के सामने जरूर पेश हुए। जांच समिति के संयोजक खजान दास ने पूरा मामला मीडिया के सामने रखा और समिति के द्वारा अब क्या कार्रवाई की जाएगी इसके बारे में भी बताते हुए कहा कि चैंपियन तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनके द्वारा संगठन महामंत्री नरेश बंसल को दिए गए पत्रों को ही चैंपियन का पक्ष मान लिया जाएगा। वहीं समिति के सदस्य विश्वास डाबर ने कहा कि उनके पास चैंपियन का लिखित में जवाब आया है, जिसके आधार पर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश अध्यक्ष को भेजेगी। देखिए, आज जांच समिति बैठी है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज 3 सदस्यीय जांच कमेटी आज के दिन उनको बुलाया गया था, बैठी है यहाँ पे सुबह से 11:30 बजे से, किंतु चैंपियन साहब नहीं आ पाए। किंतु जो और जो कार्यकर्ता थे जिनको आमंत्रित किया गया था कि आपको अपना पक्ष रखना है, वो सब यहाँ पर आ गए थे, उनसे बातचीत सुन ली गई है। किंतु चैंपियन साहब ने लिखित रूप में एक एप्लीकेशन माननीय प्रदेश महामंत्री श्रीमान नरेश बंसल जी को दिए है, उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा और फिर उसके बाद जांच समिति अपनी रिपोर्ट 3 दिन के अंतराल में तैयार कर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेगी। संवाद 365 के लिए देहरादून से काजल की रिपोर्ट।